A man increases his speed by 2 meter per second. Then kinetic energy is doubled. The original speed of the man is. देखिए क्या क्वेश्चन है, हिंदी में मैं बोलती हूँ। यदि एक व्यक्ति अपनी चाल 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है व्यक्ति की मूल चाल है। ठीक है, ये तो प्योर हिंदी वालों के लिए हो गया। अब हम थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अ मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकंड। कितने मीटर पर सेकंड से बढ़ाता है वो? 2 मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि इंक्रीज करना, देखिए उसकी पहली वेलोसिटी मान लेते हैं v1 होगी। ठीक है, अब इंक्रीज कर रहा है ना, तो अब उसकी वेलोसिटी उसकी पहली वेलोसिटी 5 मतलब जो स्टार्ट किया होगा वो स्टार्ट किससे किया होगा, इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग वेलोसिटी जिससे उसने स्टार्ट किया होगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी बराबर है। अब लेट्स कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी वो कंटिन्यूअसली 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा है। तो अगर 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा है तो अब उसकी वेलोसिटी में पहली वेलोसिटी प्लस 2 मीटर पर सेकंड को ऐड कर दूं, जो अब थोड़ी देर के बाद कुछ समय t के बाद आफ्टर सम टाइम t उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। अब वो v2 कितनी होगी, कुछ समय वो कांस्टेंट कितनी पर हर एक सेकंड में मतलब कितना 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा है। तो अब उसकी वेलोसिटी पहली वेलोसिटी थी v1, उसमें 2 मीटर पर सेकंड ऐड कर दो तो v2 आ जाएगी। उसी तरीके से v3 कैसे आएगा, तो v2 प्लस 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, फिर वो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाएगा, ऐसे कर करके निकलती जाएगी। ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि v2 माइनस v1 अगर आप करोगे, v2 माइनस v1 करोगे तो v2 कितना है, v1 प्लस 2 मीटर पर सेकंड माइनस v1, तो v1 से v1 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, 2 मीटर पर सेकंड बचा। तो ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे आप, चेंज इन वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी में परिवर्तन आया है, चेंज इन वेलोसिटी, इसी को डेल्टा भी बोलेंगे आप। मतलब चेंज कितना कर रहा है वो, 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी को चेंज करते जा रहा है। ठीक है, यानी 2 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे पहली वेलोसिटी की निकालनी है, ये इसकी निकालनी है, स्टार्ट जब उसने की थी इसकी निकालनी है, तो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी 2 मतलब जब वो v2 पे पहुंचा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ mv2 का स्क्वायर हो गई होगी, बिल्कुल सही है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। चलो, लेकिन उसने एक और क्वेश्चन में हिंट दिया, अ मैन इंक्रीजेस स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकंड देन काइनेटिक एनर्जी डबल। अगर वो वेलोसिटी डबल कर देता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इसका मतलब देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज का मतलब इक्वल्स टू इज डबल्ड द ओरिजिनल स्पीड, डबल्ड, ये डबल्ड का मतलब 2, डबल द ओरिजिनल, ओरिजिनल स्पीड कितनी है v1, तो ओरिजिनल स्पीड सॉरी काइनेटिक एनर्जी 2 होगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मतलब दूसरी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी e1 मान लेते हैं। तो डबल द ओरिजिनल, ओरिजिनल कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी e1। अरे भाई, बॉडी ने स्टार्ट किया था v1 वेलोसिटी से, तो v1 वेलोसिटी इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी हुई, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ke1 थी। बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2 हो गई, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ke2 हो गई। दोनों में रिश्ता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो 2 है वो क्या है, इज डबल्ड, डबल्ड मतलब 2 टाइम से ओरिजिनल स्पीड के, तो ओरिजिनल स्पीड मतलब ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv2 होता है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्मूला रख दो, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 कितना हुआ, हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर, 2 इंटू हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर, 2 से 2 गया, m से m गया, क्योंकि बॉडी तो सेम है, मास तो सेम ही होगा, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर, बिल्कुल सही है। यानी दोनों से स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे तो v2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 v1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये v2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन, याद है मैंने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन बताई थी, डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1, तो v2 कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2 v1, मतलब मैं अभी प्लस का ले रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम एट v2 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 2 v1, हम इस पे चेक कर रहे हैं, है ना, माइनस साइन इग्नोर कर दो, तो माइनस
वी वन, यानी आंसर कितना आ जाएगा, वी वन कॉमन निकाल लो, अंडर रूट ऑफ टू, अंडर रूट ऑफ दैट इज वी टू माइनस वी वन होगा, ठीक है, वी टू माइनस वी वन दैट इज अंडर रूट टू, अंडर रूट टू माइनस वन, ठीक है। अब ये कितने के बराबर थी, 2 मीटर पर सेकंड के बराबर थी क्या, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि वो कितने से परिवर्तन हो रहा है उसका, 2 से हो रहा है, यानी ये किसके बराबर, 2 के बराबर, ये किसके बराबर, 2 के बराबर, मतलब v इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ये v1 हो गया, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस v1, बिल्कुल सही है। अब इसको देखिए, रूट कभी भी नीचे छोड़ते नहीं है, तो ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लीजिए, मतलब अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई कर लो इसको इसको, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज 2, यहाँ से 2 2 कॉमन निकाल रही हूँ मैं, दैट इज अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर वो होता है, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 1। तो v1 कितना आ गया, v1 कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये अगर ये दिया, और अगर माइनस में लोगे तो यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2 v1 करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो ऑप्शन मैच कर जाए, मतलब यहाँ पे अगर आप फिर क्या लोगे, अब आप ये मैं आप पे होमवर्क दे रही हूँ कि अगर अंडर रूट 2 हमने अभी प्लस का लिया, अभी आप सेकंड टाइम में क्या लेंगे, वी टू इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 2 v1, मतलब v2 की जगह माइनस, यहाँ पे सब जगह माइनस 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 आ जाएगा, तो आंसर यहाँ पे भी माइनस आएगा, टोटल आंसर माइनस में आ जाएगा, सिंपल, बस कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, माइनस में आ जाएगा आंसर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।